स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पिंकी कोसी किचन पर। आज हम लेकर आए हैं आपकी और बच्चों की सभी की पसंद चॉकलेट रेसिपी, जो कि हम इजी तरीके से घर पर ही बनाएंगे। चलिए बनाने शुरू करते हैं। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज वो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी है। आज की रेसिपी है हमारी चॉकलेट। चॉकलेट बनाना बताएंगे हम घर पर ही, शुरू करते हैं। ये हमने एक कटोरी में ये मिल्क पाउडर लिया है और ये पिसी हुई चीनी है, ये भी हमने एक कटोरी ली है। ये 4 छोटे चम्मच, ये इसी साइज के चम्मच, ये बटर लिया है हमने और ये कोको पाउडर है। आप कोई सी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं चॉकलेट बनाना। ये हमने एक भगोना लिया है, एक भगोने में पानी को गैस पर रख दिया और उबाल भी लिया है। अब इस भगोने के ऊपर हम एक ऐसा प्लेट या कोई ऐसा बर्तन रखेंगे जो इसमें अंदर फिट हो जाए अच्छे से। ये हमने एक बर्तन को इसके अंदर अच्छे से फिट कर लिया है। अब इसके अंदर हम बटर डाल देंगे। इसको अच्छे से मेल्ट होने देंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। अब ये देखिए बटर हमारा मेल्ट हो चुका है। अब इसमें हम ये पिसी हुई शुगर डाल देते हैं और इसको भी अच्छे से इसके अंदर मेल्ट होने देंगे। अब ये देखिए इसके अंदर शुगर भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे ये मिल्क पाउडर, इसको भी अच्छे से इसके अंदर मिला लेंगे। ये देखिए हमने मिल्क पाउडर को भी इसके अंदर अच्छे से मेल्ट कर लिया और 1-2 मिनट के लिए हमने इसमें पका लिया इन सभी चीज़ों को। अभी डालेंगे हम अपना कोको पाउडर, ये हम 2 चम्मच कोको पाउडर के डाल देंगे। अगर आप ज़्यादा डार्क चॉकलेट खाना पसंद करते हो तो आप 1 चम्मच और ज़्यादा डाल लीजिए और इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए हमने चॉकलेट इसको कोको पाउडर को भी इसके अंदर अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें हम डालेंगे वेलिना एसेंस। अगर वेलिना एसेंस नहीं है आपके पास तो आप एक ये 10 रुपए की चॉकलेट आती है वो डाल सकते हो इसकी कोको पाउडर की खुशबू को ख़त्म करने के लिए। तो हम डालते हैं ये चॉकलेट, ये चॉकलेट को डाल देते हैं इसके अंदर, एकदम चॉकलेट ही फ्लेवर आएगा इसका ये चॉकलेट डालने से, और इसको इसके अंदर मेल्ट होने देंगे। ये देखिए ये चॉकलेट भी हमारी इसके अंदर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और देखिए कितने अच्छे से चॉकलेट जैसी ही लग रही है। अभी इसे हम गैस से उतार लेते हैं भगोने से और ठंडा होने के लिए रखेंगे गैस को ऑफ कर। ये हमने आइस क्यूब की एक ट्रे ली है, अगर आपके पास चॉकलेट ट्रे है उसमें जमा लीजिए, हम इसी में जमाएंगे। चलिए सारी चॉकलेट के इसके अंदर डाल देंगे हम। अब जैसे भी बनाना चाहते हो, इसके अंदर ड्राई फ्रूट वगैरह डाल सकते हो आप। हम सिंपल ही बना रहे हैं। ये हमने सभी चॉकलेट को आइस क्यूब के अंदर डाल लिया और इसको एक बार ऐसे प्रेस करेंगे ताकि हमारी चॉकलेट एक जैसी हो जाए। अब इसको हम 1/2 घंटे के लिए फ्रीजर में रखेंगे और हमारी जो चॉकलेट है वो अच्छे से इसके अंदर सेट हो गई है। अभी इससे ट्रे को हम इस तरह हिला लेंगे और ये निकल जाएगी। ये देखिए ये वाला पीस निकल चुका है, हम इसी तरह सभी पीसे को निकाल लेंगे और इस प्लेट में ये देखिए हमने सभी पीस को निकाल लिया है चॉकलेट के। कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।